दोस्त, अगर तुम भी यही बात समझते हो कि तुम कमजोर स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ना आखिरी तक चिपक के देखते रहना। आज यकीन मानो, कोई मजाक नहीं, सीरियस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ कि आज तुम्हें जीनियस बना दूंगा। सिर्फ और सिर्फ शर्त इतनी है कि वीडियो को एंड तक देखना, और अगर तुम्हें लगे जो बातें मैंने बताई ये काम नहीं आने वाली तो वीडियो को डिसलाइक करके चैनल छोड़ देना। लेकिन अगर तुम्हें लगे कि हाँ इन बातों से फायदा जरूर होगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, इस वीडियो को अप्रिशिएट जरूर करना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्त, पहला हार्ड वर्क। अगर तुम पढ़ाई में कमजोर हो तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए एक ही शॉर्टकट है, वो है हार्ड वर्क। दोस्त, हार्ड वर्क कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ एक कमजोर स्टूडेंट ही कर सकता है या एक जीनियस स्टूडेंट ही कर सकता है। कमजोर स्टूडेंट भी कर सकता है इसको और एक जीनियस स्टूडेंट भी कर सकता है। एक बात आज भेजे में घुसा के जाना कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। समझने की कोशिश करो, अगर किसी सब्जेक्ट को एक जीनियस स्टूडेंट को करने में 3 घंटे लगने हैं तो तुम्हें कितना समय लगेगा? ज्यादा ज्यादा 6 घंटे। अगर 6 घंटे तुमने पढ़ लिया तो उतना ही कर लोगे जितना उसने कर रखा है, और अगर गलती से तुमने 9 घंटे कर लिया तो बेटा जीनियस के भी बाप बन जाओगे। तो हमेशा फोकस करो हार्ड वर्क पे। और हाँ, स्मार्ट वर्क वाली बात मेरे को मत कहना, स्मार्ट वर्क आता हार्ड वर्क के बाद में। पहले हार्ड वर्क कर लो फिर करते रहना स्मार्ट वर्क। दूसरा, पंचुअलिटी। तो सबसे बड़ी समस्या सुबह उठने के लिए तुम सबसे ज्यादा जो अलार्म जो लगाते हो ना, अगर तुम्हें 4 बजे उठना है तो अलार्म लगाओगे तुम 4, एक होगा 3:30 का, एक होगा 4:45 का, एक होगा 3:55 का, और फिर होगा 4 का। ये 4-4 जो अलार्म आज से लगा रहे हो ना, यही तुम्हारी बर्बादी का कारण है। एक बात मैं कपिल देव सर की तुम्हें कहना चाहूंगा कि 4 बजे ना फील्ड पे होने का टाइम है, उठने का टाइम नहीं है। इसी तरह अगर तुम्हें 4 बजे उठ के पढ़ना है ना तो 4 बजे पढ़ने का समय है, उठने का समय नहीं है। अगर तुम्हें सच में ही 4 बजे पढ़ना है तो उठो 3:30 बजे, अलार्म लगाओ सिर्फ एक। पहली जीत सुबह होगी अलार्म से, एक ही अलार्म की आवाज में तुम्हें उठ जाना है। दोस्त, अगर आज तक तुम अलार्म से नहीं जीत पाए तो खाक स्टडी करोगे? फिर तुम रहने ही दो, तुमसे कुछ नहीं होगा। हो सकता तुम्हें ये बात मेरी कड़वी लग रही हो, लेकिन आज मेरी कड़वी सलाह मान लोगे ना तो एग्जाम में मीठे रिजल्ट्स आएंगे। और अगर टाइम को डिटेल में समझना है तो ऊपर एक लिंक आ रहा होगा आई बटन में, उसको देख लेना, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। 4 वीडियो बनाई है टाइम मैनेजमेंट पे, अगर देख लोगे ना तो अभी नहीं जिंदगी भर तक मिली सेकंड को वेस्ट करने में ना लाख बार सोचोगे, लाख बार। तीसरा है इफेक्टिवनेस। आज जो मैंने वीडियो बता दी, इस वीडियो को लाखों बच्चे देखेंगे लेकिन इसको फॉलो ना सिर्फ 10% ही करेंगे। शुरू 100 के 100 कर देंगे लेकिन जो लास्ट तक एग्जाम तक जो टिके रहेंगे ना वो होंगे सिर्फ 10%। तो रिजल्ट किन के आएंगे? सिर्फ उन 10% वालों के। जब भी पढ़ने बैठो तो हाईली डेडिकेशन के साथ फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर दिमाग को वहीं पर एकत्रित करके बैठना है, तभी तुम कर पाओगे। एक छोटी सी टिप मेरी मान लेना, जब भी पढ़ने बैठो तो मोबाइल को ना एयरप्लेन मोड पे लगा दिया करना, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन आती रही ना बेटा वहीं पे अटके रह जाओगे, और नोटिफिकेशन में ही अटके रह गए ना तो एग्जाम कब आए कब चले गए पता भी नहीं चलेगा, रिजल्ट में लेते रहना 0/0। तो दोस्त, ये थी 3 टिप, पहला हार्डवर्क, दूसरा पंचुअलिटी, तीसरा इफेक्टिवनेस। तीनों चीजों को करके देख लेना, अगर रिजल्ट ना आए ना तो बता देना। अगर वीडियो समझ में आई हो और इन चीजों को करने वाले हो तो यस आई विल फॉलो, कमेंट में आज लिख कर ही जाना। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रख लो, ऐसी वीडियो फिर कहीं पे नहीं मिलेंगी। शेयर कर दो दोस्त, उनको भी जगा दो जो अब तक सो रहे हैं, उनका भी कुछ भला हो जाएगा। कोई है या नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड।